एक्सपेक्टेड फेलोज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। दोबारा से प्रीवियस लेक्चर्स आप ले चुके हैं जो टेंसेस के हवाले से थे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था कि हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस डिस्कस किए थे, जिसके बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको जो एक्सरसाइज दी गई थी सॉल्व करने के लिए आपने उसको सॉल्व भी की होगी और जिस तरीके से आपको समझ भी आई होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने तीन लेक्चर्स टेंसेस के रिकॉर्ड किए थे, बनाए थे और आपको शेयर किए थे। उसके साथ आपको अच्छे से उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। आज हम जो है वो दोबारा से एक नई टाइप शुरू कर रहे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, देन अगली वीडियो होगी हमारी पास्ट कॉन्टीन्यूस और फिर नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हमने डिस्कस करना है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है क्या है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट जो होता है वो आपको पता है कि जो दौर चल रहा है इस वक्त उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। आगे कंटिन्यूस, प्रेजेंट तो आपको पता है कि क्या होता है, जो दौर इस वक्त चल रहा होता है, और कॉन्टीन्यूस क्या है, जो चीज़ जारी हो, मतलब जो इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे पास वर्क में कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जारी हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देन हमारे पास आ जाता है कि उर्दू फिक्रे के एंड पे आइडेंटिफिकेशन हमने देखी, किस बेस पर हम उसको टेंस को या जमाने को प्रेजेंट कर रहे हैं, पता चलता है हमें कि टेंस किस तरह का होता है या किस तरह हम उसको पहचान कर सकते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। ये किसकी पहचान है कि जब हमारे पास उर्दू फिक्रे में कोई भी ऐसा टेंस हो जो हमें पता चले कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज है या फ्यूचर कॉन्टीन्यूज या पास्ट कॉन्टीन्यूज, तो इस वक्त हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज को कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट कर रहा है वो इस वक्त दौर को कह रहा है जो हम इस वक्त जमाने में रह रहे हैं, मतलब जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस जमाने को। और रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह किस चीज़ में आता है कि उसको पता चल, उसके बाद पता चलता है हमें कि उर्दू फिक्रे के जब आखिर में रहा है, रही है, रहे आएगा तो क्या होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। देन आगे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको मन यही होता है ना कि किस तरह हमने उसको उर्दू से इंग्लिश फिक्रे में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या था कि जो काम कर रहा उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। देन इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर और ऑब्जेक्ट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आई एन जी का इजाफा हो रहा है, देन उसके नीचे जब हम देखते हैं उसको फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आई एन जी लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जेरेंड, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जेरेंड की, कि जिस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड। ये आपको एक उसने डेफिनेशन भी दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी वर्ड, उसको हम कहते हैं जेरेंड, मतलब जिस फॉर्म के साथ, जिस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाए वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड जेरेंड। देन हमने यूजेस देखा है कि किसका, इस एम आर किस किसके साथ करते हैं, इस लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर चीज के साथ, कोई भी ऐसी सिंगुलर चीज जो एक सिंगल फॉर्म में पाई जाए उसके साथ क्या लगता है, इज। आगे एम सिर्फ एक वाहिद एम है जिसके साथ जो आई के साथ यूज किया जाता है, मतलब आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, और जो है वो डिफरेंट आई एम नॉट टेलिंग अ लाइ। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस एम आर का यूजेस हम कहाँ यूज कर सकते हैं या किस किस के साथ ये तीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, ठीक है। इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्या है, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके अंदर यूज की जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का जब इजाफा कर जाते हैं तो हमने यही सीखा था, यही पढ़ा था कि उसको हम क्या कहलाया जाता है, वो जेरंड में लाया जाता है। इस तरह हम आगे यूजेस पढ़ते हैं कि इस एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो इज है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर चीज के साथ, कोई भी ऐसा गर्ल हो, बॉय हो, या कोई भी ऐसी भी जान चीज जिसके हम साथ इट यूज किया जाता है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। और सिमिलर चीज कोई भी ऐसी एक सिंगल चीज जो प्रेजेंट हो रही हो किसी एक नाम के साथ, किसी एक चीज के साथ, किसी एक फॉर्म के साथ यूज हो रही है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। देन एक वाहिद एम है जिसके साथ क्या होती है, आई के साथ सिर्फ एम यूज किया जाता है, जो सिर्फ मेरी जात मतलब मैं के साथ यूज होता है, मतलब आई के साथ, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ठीक है। ये सारा क्या है, आई जिसके साथ हो मतलब उसके साथ क्या यूज होगा, एम। आगे आ गया है आर, आर यूज होता है किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के साथ
साथ यूज किया जाता है, जैसे हम हो गए, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, ही वी दे यू और ज़्यादा चीज़ों के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ क्या यूज़ होता है आर। देन आगे हमारे पास आ गया सेंटेंसेस। किसी भी टेंस के अंदर हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि तीन सेंटेंसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस करते हैं, जो हमारे पास सिंपल सी और पॉजिटिव, जिसके अंदर हम बात कर रहे हो, किसी के अंदर कोई नेगेटिव बात ना हो रही हो या कोई भी ऐसा सवाल पूछना चाह रहे हो जो उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। हम सो रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि क्या स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। हम सो रहे हैं, हम क्या है सब्जेक्ट, ही वी, वी के साथ क्या यूज हो रहा था आर, वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, वी क्या था सब्जेक्ट था, आर हेल्पिंग वर्ब है और वी के साथ आर यूज होता है। देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो रहा है हमारे पास स्लीप, फर्स्ट फॉर्म क्या है स्लीप और स्लीप के साथ हमने आई एन जी यूज किया तो वो क्या बन गया स्लीपिंग। इस तरह हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा किया तो हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है जेनिटिव है। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो स्वेटर बुन रही है, शी इज स्नैकिंग अ स्वेटर, शी इज स्नैकिंग अ स्वेटर। ठीक है, ये जो हमारे पास तीन सेंटेंसेस अफर्मेटिव के, देन हमारे पास आ गया है नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज हमारा मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है जिसमें हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब हम किसी चीज़ को इनकार कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव, मतलब किसी चीज़ का इनकार करना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ होगा और फर्स्ट वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का इजाफा होगा। ठीक है, ना तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म के बाद नॉट यूज़ होगा और ना ही सब्जेक्ट से पहले, ये आप स्पेसिफिक रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले नॉट यूज़ होगा। इसके बाद आ गया वो आराम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेलिंग अ लाई, दे क्या था सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म टेक थी, उसकी टेक के साथ आई एन जी का इजाफा कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टेकिंग आराम रेस्ट। आगे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव क्या है जिसमें हम सवाल पूछ रहे हो या किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हो या कोई भी सवाल कर रहे हो, क्या है फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या है इस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इस एम आर सब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की यही पहचान है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव, जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है अफर्मेटिव का, वो क्या होता है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो हमारा सवाल बन जाता है। एग्जाम्पल है क्या वो शोर कर रहे हैं, क्या वो शोर कर रहे हैं, आर दे मेकिंग नॉइस, आर दे मेकिंग नॉइस, क्योंकि हमारे पास वो क्या वो शोर कर रहे हैं ज़्यादा तादाद है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे आर। बच्चा क्यों रो रहा है, व्हाई इज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बारी बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड, इज इट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, ये हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पूरे ओवरऑल हमने पढ़ा कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के जो हमारे पास मौजूदा दौर में वक्त या मौजूदा वक्त में जो काम है वो जारी है उसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। उर्दू फिक्र के एंड पे क्या आता है रहा है, रही है, रही है वगैरह आता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर को गो थ्रू किया कि स्ट्रक्चर में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या चीज़ यूज़ की जाती है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं जेरंड। ठीक है, इज एम आर, उसके इज एम आर कहाँ यूज़ होता है, इज यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ के साथ, आर यूज़ होता है प्लूरल चीज़ के साथ, इज होता है कोई भी ई शी इट मतलब लड़का लड़की या कोई भी बेजान चीज़ के साथ, उसके बाद एम एक सिंगल चीज़ है जिसके साथ, आई एक सिंगल वर्ड है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम यूज़ होता है, उसके एम किसी और के साथ यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद आर आता है वी दे यू और कोई ज़्यादा चीज़ों के साथ। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट
फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट, देन हमने इंटरोगेटिव देखा, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर ये स्ट्रक्चर ओवरऑल आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी उर्दू से इंग्लिश टेंस बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस आपको सारे टेंसेस के अच्छे तरीके से फॉर्मूला आने चाहिए और पता होना चाहिए कि उर्दू फिक्रे के एंड पे अगर ये वर्ड आते हैं तो हमने उसकी पहचान किस तरह कर दी है या वो किस टेंसेस के आते हैं। जैसे हमने देखा कि रहा है, रही है, रही है वगैरह किसकी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की। इसी तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू स्ट्रक्चर्स पढ़े, पहचान पढ़ी, फ्यूचर इंडेफिनेट की पढ़ी, पास्ट इंडेफिनेट की पढ़ी, और इंशाल्लाह हम आगे भी आपको ऐसे डिलीवर करते रहेंगे जिस तरह आपको टेंसेस की अच्छे तरीके से पहचान हो सके। देन एक्सरसाइज, आपको पता है कि हर टेंसेस के बाद आपको एक्सरसाइज दी जाती है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और अच्छे तरीके से उसको मज़ीद समझ सकें और अपने हाथों से गुजार सकें कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम अपने बालों में कंघी कर रही हो, हम रो नहीं रहे हैं, अंधेरा नहीं छा रहा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या तुम खाना खा रहे हो। ये सारी एक्सरसाइज है जो आपने फील करके बताना है हमें कि आपको कितनी समझ आई है और आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को गो थ्रू करना है। हमारा यही मकसद है कि आपको डिलीवर करने का यही मकसद होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई। उम्मीद है आप कमेंट में बताएंगे। स्टे होम एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।